क्योंकि क्या है, ये शायद ये बुबली का है ना जी, ये DIC बेलगांव का है, बेलगांव वाले दिए हैं इतना यूनिट नेम वगैरह दिए हैं, और फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोग दे नहीं सकते। ये में जो क्लॉज है सर, हम मीडिया की तरफ से हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप देंगे या नहीं? ITI का छोड़ दो तुम, ITI में नहीं देने। फाइनली देखो, हम ब्रांच में मैनेजर, ठीक है, मैनेजर है हम ब्रांच में, ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन पूछते हैं हम नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, मतलब हमारे जो मेन जो अथॉरिटी है, RO है, टोटल अमाउंट दे। सुनिए लोग लिए, एक मिनट सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए शांति, सुनिए तो मैं बात कर पाऊंगा, ठीक है? हाँ, तो आप जो भी आप चाहते हैं ना हम जरूर देंगे, लेकिन जो भी है प्रोसीजर की सबसे जाना पड़ता है, क्योंकि हम जब बैंक में काम करते हैं तो हमको जो प्रोसीजर दिया उसी से काम करेंगे ना। नहीं, सर क्या आप हमें लिख के दे सकते हैं कि आप, आपको देने की अधिकार नहीं है सर, आपके अधिकार क्षेत्र में ये चीज नहीं है। सर देखो क्या है ना, अभी जो आप उन्होंने ITI रेस किया था, ठीक है, मेरे पास अभी भी है कॉपी, मैं उसको दिखाता हूँ, ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट हायर जो चिकुड़ी में है, ठीक है तो चिकुड़ी में है, तो उनको हमने टेकअप किया, ठीक है, टेकअप करने बाद उन्होंने उनका जो काम है रिप्लाई करने का उन्होंने किया, उन्होंने जो रिप्लाई किया है सर वो रिप्लाई भी हमारे पास आया हुआ है, ठीक है, और फिर साथ ही साथ जो भी है जिन जिन का यूनिट्स है उन यूनिट का नेम भी आया हुआ है, और फिर साथ ही साथ किस बैंक से कितना लोन हुआ है वो भी आया है, मैंने ये पर्सनल के तहत भी नहीं है, मैंने आप बोलते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोग दे नहीं सकते हैं और फिर ये लोग दिए हैं। सर मैं जो क्लॉज है ना सर, उसमें जो क्लॉज दिया है ना, उसके ऊपर मैं क्या बात करूंगा सर, देखो जो क्लॉज है मैं, क्योंकि मैं अथॉरिटी है ना सर, जो अथॉरिटी है मैं नहीं हूँ, तो क्लॉज के ऊपर बात करने का, अल्टीमेटली दे हैव गिवन इट, ये गवर्नमेंट का सब्जेक्ट रोल रहता है सर, मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें रिपोर्ट आता है, आपको प्रॉपर रिटर्न रिप्लाई में दिया है, वो भी AGM के इसमें सिग्नेचर में, आप लिख के दे दीजिए ना, अभी फिलहाल के लिए आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, सीधी सी बात है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको रिप्लाई मिला है कि नहीं मिला, आप सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, फर्स्ट नहीं वो कितने दिनों तक हम लोग टेकअप पे टेकअप टेकअप पे टेकअप करते रहेंगे, वो जो ये है ना धर्मेंद्र सनी देओल का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, कितने तारीख तक लगे रहे अपन, वो तो बोल सकते हैं ना सर, क्या मालूम है क्या आपको जो भी रिप्लाई मिला है, मेरा ये कहना है कि सेटिस्फैक्टरी नहीं, उसमें क्लॉज है या नहीं टेकअप करने का। अरे सर जी वो लोग दिए है ना, वो लोग दिए है ना, दे हैव गिवन इट, वो लोग दिए हैं, मैं आपकी तुम परसों क्या बताए मीडिया में, बोले हर महीना जाके मैं यूनिट चेक करता हूँ, तो एक काम करेंगे हमारे को बताएंगे कितने यूनिट आप हमें आकर दिखा दीजिए, कितने यूनिट नहीं, कितने आपके अंडर में है, और फिर आप साथ साथ डेटा भी ले लीजिए, नहीं आप महीने को मैंने वो वहाँ पर कितना, एक सेकंड, आप वहाँ पर जाके क्या कर रही है, आप अपना डेटा भी ले लीजिए कि कितना कितना वहाँ पर मशीन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका जो भी प्रेजेंटेशन है, आपको जो भी डाउट है, ये आपका जो भी आपको जो प्रॉब्लम्स है, मतलब अभी ऐसा यूनिट नहीं है करके, आप लिख के दे दीजिए, मैं यही चीज, सुनो सर ये काम आपका है, हमका नहीं, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा काम क्या है, देखो मेरे को हमारा काम क्या है सर, आपसे पूछना है कि अल्टीमेटली टैक्स पेयर का पैसा कहाँ जा रहा है, वी आर जस्ट आस्किंग दैट। वन सेकंड मैं क्या बोल रहा हूँ, जो यूनिट दिए है मुझे मालूम है चालू है, आपको लगता है क्या है, चालू है या नहीं है, आप दिखा दीजिए। नहीं मैं क्या, आपको क्या डाउट है, आपका जो डाउट है पहले बताइए मुझे, मैं उसके ऊपर सोल्यूशन, हम लोग किसी को आरोप नहीं कर रहे, नहीं हम लोग इसका बंदा है, किसके लिए नहीं, आप किसी तुम्हारे गांव में कितने यूनिट चालू है, कितना लोन हुआ है, नहीं मैं गवर्नमेंट का, आपका जो भी प्रेजेंटेशन है ना मुझे लिख के दीजिए, ठीक है, जो भी है मैनेजर को लिख के दीजिए, ठीक है, आपका जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर मैं आपको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई देता हूँ, उसके में आप संतुष्ट नहीं तो आप, और वैसे भी संतुष्ट नहीं तो आप चिकुड़ी जाइए, वहाँ पे बात कीजिए, क्या करने का, बेलगाम को जाने के बाद में चिकुड़ी जाओ बोलता है, चिकुड़ी जाने के बाद में इधर आओ बोलते हैं, ये काम करने का, ये हमारा घर का काम नहीं है, पब्लिक का काम है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ने हमारा काम हम लोग कर रहे हैं, तुम्हारा जवाबदारी बनता है सर, बिल इरता रे एग्रीमेंट बॉन्ड इरता रे आपको मैंने ओरली बताया सर जी, मैं आपको ओरली बताया,
नहीं ओरली बताया गया नहीं सर तुम्हारे को देने के रहा तो दे नहीं लिखित में दिया है नहीं बाबू ने तो हम लोग जाके पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करते हैं पार्टी लोग फ्रॉड किए इसमें आप शामिल है बोलता है देखो नहीं आप लोग शामिल है बोलता है देखो भाई पहला ही बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे कुछ भी मना नहीं ठीक है क्या बोल रहा हूँ शामिल है बोलता है देखो तुम्हारा काम हम लोग कर रहे हैं तुम हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहे अरे सर क्या काम है अरे सर नहीं किसका काम है बोलो ना अरे सर जी सिंपल सा यही मुद्दा है सिंपल सा बोलिए आप बोलिए जो मैं क्या बोल रहा हूँ जो भी बोलना है ना पॉइंट टू बोलिए पहली बात मतलब ऐसा घुमा घुमा की मत बोलिए घुमा घुमा की बोल ही नहीं रहे हाँ, अपन मैं अभी वही बोल रहा हूँ हम लोग कहाँ पर घुमा घुमा के मैं वही बोल रहा हूँ सर आपकी तरफ में ज्यादा माइक पकड़ के रखा हूँ सुनो सुनो मैं तरफ नहीं पकड़ा हूँ मैं क्या बोला आपको आपका जो भी प्रेजेंटेशन आपने पहले दीजिए आपका जो डाउट है मेरे को दीजिए सर ऑलरेडी आपको दिया गया ऑफर बोल रहे नहीं मिला क्या आपने ये आपने ये दिया है कि वहाँ पर आपको देने की अधिकार नहीं है कौन से आरटीआई आपने दिया है ना इनको भेजा था ये सो आरो को भेजा चुपकुड़ी उसका रिप्लाई आया आपको दिया हूँ मैं एक सर ये आया है देखो ये पर्सनल पूछा नहीं मैं ये सब लोग है इसके अंदर शामिल सर अभी यूनिट जितने हैं ना वो करो भी एक बात और क्या बोलता हूँ मीडिया में आपको बताता हूँ सर सिंपल बोलिए क्या मालूम है क्या यहाँ पे बहुत सारे एजेंट है मैं अभी बोल रहा हूँ आप एजेंट्स का नाम बता दो सुनिए एजेंट्स का नाम बता दो फिर एजेंट से आपका ताल्लुक क्या है नहीं नहीं एक मिनट मैं बहुत सारे मैं बोल रहा हूँ आपके आके गए वही लोग क्या करते हैं अलग अलग कूपन के लेके अभी यूनिट बंद है अभी बताओ चलो तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे बोलने दे या उनके बस मेरा ये कहना है एक सेकंड हाँ ठीक है यहाँ पे बहुत सारे एजेंट है जो लेके आते हैं ठीक है मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन जिसमें जो एलिजिबल होता है हमको देख के मैं विजिट करके उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि बाबा हम पीएमएजीबी क्यों देते हैं मुझे बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल नया प्रपोजल होता है ठीक है नया प्रपोजल और एंटरप्रेनर होता है सर कितने तक माने एक सिंपल सा सवाल है सर कितने पैसे तक माने 10 लाख 15 लाख 50 लाख 25 लाख कितना भी हो कितने तक आप बिना सिक्योरिटी के पीएमईजीपी के तहत आप लोन दे सकते हैं 50 लाख नहीं क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ही के यहाँ से एक मैंने एक औरत यहाँ से मैंने पूरा का पूरा उल्टा पैर गई है रिगार्डिंग दैट क्योंकि वो सिक्योरिटी आपसे मांगी गई थी क्योंकि वो भी हमारे पास फुटेजेस है तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप मैंने उनको पैसे देने से पहले आपका सिक्योरिटी कौन है कौन आपको यहाँ पर आके साइन करेगा आप पूछे थे सीधी सी बात है सर ये गवर्नमेंट क्या बोलते हैं गारंटी है या तो फिर आप किसी और की गारंटी लेंगे गवर्नमेंट से बड़ा गारंटी कोई है या नहीं आप इतना ही सवाल दीजिए देखो आप कोई भी बिजनेस होता है उसका असेसमेंट होता है ठीक है ऐसा कोई भी बिजनेस पे नहीं होता हम उसका प्रोजेक्शन देखते हैं एक 5 साल में 3 साल पे ये बिजनेस कहाँ पे रहेगा ठीक है उसके बाद में ये एसेस करने के बाद हम उसको जज करते हैं ठीक है उसका जो भी सुनो माने जज क्या है माने क्राइटेरिया क्या उसका बैक उसका बैकग्राउंड देखते हैं बैकग्राउंड मतलब इन द सेंस क्या सर सिविल देख लो सिविल तो देखा ही जाता है सर वो तो कुछ डाउटफुल नहीं है इसमें ठीक है जो भी लैंडिंग प्रोसीजर होता है सर ठीक है सिविल देखना हो गया ठीक है जहाँ पे मटेरियल सप्लाई हो गया फिनिश प्रोडक्ट सप्लाई हो गया ठीक है ये सब चीजें देखा जाता है क्योंकि जब हम कोई भी बिजनेस असेसमेंट क्या कि एक औरत यहाँ पर आके 2 लाख का एफडी करवा के फिर भी आप उसको लोन रिलीज नहीं किए चार नहीं मैंने सुनो मैंने उसको बोला था एफडी करने के नहीं ये पूछा क्या आपने उसे आपसे अदबो आदाब से बात कर रहा हूँ तुम से वो थोड़ा सा हट के आप भी थोड़ा सा अदब आदाब से बात करिए ना देखो मैं आपको अभी बोला अदब से बात कीजिए मैं भी आपसे अदब से ही बात कर रहा हूँ सर मैं थोड़ी शांति से बात कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको बोला आपने जैसे बोला अभी एफडी बोला ठीक है मैंने बोला उसके एफडी करने के लिए तो फिर वो क्यों की वो क्यों की 4 महीने को उसकी इच्छा है सर बैंक में बहुत सारे लोग एफडी करते हैं 4 महीने में सबको एफडी करने चक्कर काटे अरे यार फिर से इनका सवाल है वो पूछ रहा हूँ मैंने जनता का सवाल है देखो अभी मैं अभी आप बोलता हूँ उसके घर पे जाइए ठीक है उसके घर पे मशीनरीज है अरे जाइए मैं बोल रहा हूँ ना अभी
उसने बाइट दी थी उस महिला ने, मैंने पूरा का पूरा आंखों में आंसू लेके बाइट दी थी सर। देखो आंखों में आंसू देके आप दी थी उसने, झूठ देके सर, सच सच को बोल रहा हूँ मैं, आप सच को पहचान रहे। अरे यार उसके नाम पे लोन लीजिए सर, थोड़े लोग आरोप क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? बोलिए बोलिए सर। ऑफिस में 2% लेते बोलते हैं। ओके कौन से ऑफिस में? बेलगाम, ये जो ऑर्डर बन के आता है तुम्हारा ऑफिस नहीं, मुझे कुछ नहीं नहीं बोल रहा हूँ, तो तुम्हारा भी मैनेज करना पड़ता है बोल के लोग बात कर रहे हैं, उसके वजह से ये औरत को लोन नहीं मिल रहा है करके आरोप कर रहे हैं। नहीं तुम क्या बोलते हैं ठीक है सर, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर। हम लोन देते हैं गरीब लोगों को, पहले बंदर जो गरजू एंटरप्रेनर एंटरप्रेनर फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कोई भी आ सकता है, गरीब भी आ सकता है, श्रीमंत भी आ सकता है, क्योंकि जब कोई जो बिजनेस करना चाहता है जितना आप मैंने आपके पास यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह रखा गया है उन्हीं को आप लोन देंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कितने गरीबों को आपने लोन दिए सर? मैंने 3 करोड़ आपको मुझे पता है, एक सेकंड 3 करोड़ का कहाँ पर है वो? हाँ 3 करोड़ का अभी फिलहाल के लिए आया है, इसमें कितने कितने सर? आप एक गरीब की परिभाषा क्या है आपकी? बिलो पॉवर्टी लाइन आपकी? नहीं, अभी जो बोल आप गरीब बोल रहे हैं ना, गरीब की परिभाषा क्या? ये पूछ रहा हूँ गरीब आपकी मत आपके मायने में क्या रखता है, गरीब क्या हो? देखो गरीब कौन है? नहीं मैं वही बोला ना, आप गरीब गरीब बोल रहे हैं। यू आर द जजिंग वन, आई एम नॉट जजिंग वन, आई एम जस्ट सेइंग दैट गरीबों को नहीं, क्योंकि जब नहीं नहीं क्योंकि आप जो गरीबों की परिभाषा क्या है आप बोल सकते हैं ना, मैं नहीं बता सकता। एक मिनट सर, आप अभी इन्होंने भी बहुत बोला गरीबों को नहीं देते, अमीरों को देते। देखो वन सेकंड एक एक खत्म कीजिए, दो तीन बार मतलब ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, गरीबों की परिभाषा क्या होती है आप बता दीजिए, हमें बता दीजिए सर। देखो हम तो मैंने पूछ रहे हैं आपसे, ऐसे थोड़ी ना है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका क्या मालूम है सर, जिसका अभी पेट उसी पे ही है, मतलब हम जो बोल सकते हैं वो जिसके बिजनेस पे ही उसका निर्भर है वो, ठीक है। हम उसको बोल सकते हैं कि बाबा वो कुछ करना चाहता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, हम उसी को ही प्रोत्साहित करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सर आपको मैंने अभी फिलहाल के लिए एक सेकंड, मैं मैंने पूरा का पूरा नॉर्मली बात करता हूँ, तो आपको अभी फिलहाल के लिए अभी मान के चलिए कि ये हमारे भैया है, इनका अभी PMEGP में लोन सैंक्शन करवाना है, इनका डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं आप बता दीजिए। आधार कार्ड पैन कार्ड जो कोटेशन लगेगा वो ठीक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन, उनका अभी जो रेसिडेंशियल एड्रेस है उसका प्रूफ चाहिए, उसका जो ये KV का जो लोड है घर पे, क्योंकि जो बिजनेस करना है ना तो उसके हिसाब से लोड भी होना है ठीक है, वो होना चाहिए, और बिजनेस के लिए जो भी रास्ता आना जाना चाहिए ठीक है वो होना चाहिए। मैं आपके पास ऑलरेडी अभी फिलहाल के लिए ये पड़ा हुआ है डेटा तो है, मैंने कितने लोगों को यहाँ पर लोन हुआ है आपके पास डेटा तो पड़ा हुआ है ना, आप निकाल सकते हैं, आपके पास पासवर्ड्स भी है, मैंने सीधा से सीधा यही है, प्रिंट आउट ले लीजिए और फिर चलते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन से यूनिट अभी चल रहे हैं, कितना वहाँ पर प्रोजेक्ट कॉस्ट लगा हुआ है, और फिर हम लोग देख सकते हैं। सही बात है, जो प्रेजेंटेशन है एज ए मीडिया आपको अभी क्या चाहिए मुझे बताओ सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट, हम लोग इन्फॉर्मेशन के बगैर किधर गया वो इन्फॉर्मेशन, DIC का पैप आया ना? अरे सर जी वही तो पूछ रहे हैं ना आप, DIC अल्टीमेटमली ये सैंक्शन हुआ है बोल देता है, लेकिन फंड रिलीज कहाँ से होता है? DIC थोड़ी ना करती है, आप करते हैं ना, सही बात है, आपके पास तो उनका डेटा है, हमों को मत दीजिए, आप चलिए अपने हाथ में ही रखिए, हम ये नहीं पूछ रहे आप हमें दे दीजिए, हमारे हाथ में दे दीजिए, हम लोग मैंने वहां पर जाके क्रॉस चेक करेंगे, आप भी हमारे साथ चलिए, हमारा व्हीकल है खुद का, चैनल का व्हीकल है, आप हमारे पास चलिए, हमारे साथ चलिए, उनको दिखा दीजिए, इसके लिए उनको दिखा दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका जो प्रेजेंटेशन है ना मुझे रखिए, क्योंकि क्या है ना ये सब चीजें ऑफिशियली मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी बोल रहा हूँ ठीक है, आप ऑफिशियली लेटर दीजिए ठीक है, और जब आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना मेरे को एक कागज दीजिए, मैं अभी लिख के दे देता हूँ, मैं ऊपर भेज देता हूँ चिकुड़ी में ठीक है। अरे सर जी आप वहाँ घुमा रहे हो, वो वहाँ पर घुमा रहे हैं, आप फिर से फिर बाद में किसको पूछना है, किसको पूछना है सर? मुझे वो परमिट करते तो मैं आता हूँ, फाइनली मुझे मैनेज करना मेरा काम है, ये याद रखो। हाँ इनका क्या बोलना मतलब है, पेपर में पूरे यूनिट है, पेपर में है, पॉइंट पर यूनिट नहीं है,
वही बात कर रहा हूँ ना सर, बात ही वही होती है। आप आते ही नहीं बोले तो आरोप ही होगा ना। सीधा सीधा मतलब ये डॉक्यूमेंट है, मैं न्यूट्रल नहीं है, आउटसाइड यूनिट नहीं है, तो इसीलिए आप नहीं आ रहे सर। अभी देखिए आपका जो कहना है ना, आप मुझे प्रेजेंटेशन दीजिए, मैं एक ही बोल रहा हूँ, पहले से एक ही शब्द बोल रहा हूँ, ठीक है? आप प्रेजेंटेशन देने के बाद फिर मैं आपको टेकअप कर सकता हूँ, फिर बाद में सनी देओल का तारीख पे तारीख सर, उसके रिगार्डिंग मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो मेरे पावर में नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ। तो फिर सर क्योंकि क्या है सर जी, अल्टीमेटमली आपका फर्ज बनता है या नहीं, और सर सुनो ना, यूनिट देखना आपका फर्ज बनता है, डेफिनेटली मेरा फर्ज है, कुछ कोई सवाल नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाने का मुझे इसमें अभी मेरे को कोई अथॉरिटी नहीं, आपके पास नहीं, जनता इधर आपको नहीं, मीडिया भी है, जनता भी है, बंदूर के लोग अभी सुनो, ये वाद चलता है, ये काम करेंगे हम, एमपी को ही बुलाते हैं जरा, उनको ही बताओ, बोलते मिनट सर, अभी मेरे को ब्रांच रन करना है क्या, देखना है एक मिनट अरे सर जी, ये भी सर ये भी ब्रांच का ही सवाल है, क्योंकि क्या कि उसमें सर्विस दिया जाता है, ठीक है? अरे सर जी, क्योंकि क्या है कि मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि इसी ब्रांच से मैंने यहाँ पर शिवापुर मैंने जो गोका के तालुक नहीं है, हुक्केरी के तालुक है, वहाँ से लोन मिले हैं, इसलिए तो पूछ रहे हैं अपन, ऐसे थोड़ी ना है। नॉर्मली ये बात है, अब सीधा सीधा एक लेटर में लिखी है कि मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, मेरे से बड़े हैं, मैं इतना सा लेके दे सकता हूं, ऑलरेडी दिया हूं सर, वो जीपीएस कर देते हैं, स्टेशन रहते हैं, मॉडल नंबर रहते हैं, क्या क्या मशीन है, एक मिनट लगा छोड़ो, इजीली मेथड है सर, तेरो एक क्लियर हो जाए, देखिए एमपी को ये बात करेंगे, संसद को लगा दे, संसद को ये लगा रहा है, बात कर रहा हूं, तुमको बहुत प्रॉब्लम, आप क्या कर रहे बताया, इस केस को घुमा रहे, कुछ नहीं सुनो, पता चल रहा है सबको, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं उसको, जो कुछ बात बताओ, हमारा इंसान है, हमारा नहीं है, हमारा बैंक का कस्टमर है, बैंक का कस्टमर, एक मिनट सर जी, उनका ही मिनट पूछ रहा हूं, बाकी के कितने यूनिट है, कितने हमारे पास है क्या, नहीं मैं देखो आपको डाउट है ना, आप बेनिफिशियरी पूछ सकते हैं, मैं क्या बता रहा हूं सर, आप कस्टमर से क्यों बात करा रहे हैं, बैंक के लिए है, कस्टमर के लिए है, अरे ये तो बोल रहे मुझे, मिनट देखो सर, आप आंसर दो ना सर, मैं बात किया ऑलरेडी, 3 करोड़ के बीच में, 3 करोड़ 30 हमारे सर से, आपके सर 37 लाख हमारे पब्लिक है, वो हमारे दोनों है, तुम क्या कर रहे हो सर, तुम बच के इनको हमारे को जगह लगा रहे हैं, पब्लिक हमारी है, पब्लिक हमारी है, वो पाप उनके लिए काम कर रहे हैं ना, ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, नहीं तुम बैकअप लेके आना, इसलिए कुछ भी नहीं बोल रहे मैं सर, अरे सर जी इनको बाहर निकाल देते हैं, मैंने मैं आप अकेले में ही बात करते हैं, ठीक है, उसके लिए तो रेडी है आप, बात हुआ ना अभी, क्या बोल रहे हैं, सब बात हो गया अभी, क्या बाकी, अरे सर जी बैकअप बोल रहे हैं, मैं थोड़ी ना यहाँ पर गुंडाई करने आया हूँ, अरे फिर बात करो ना फिर, अभी जो मैं आपने जो भी मुझसे देखो सर तुम्हारे को डाउट रहा तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी फोन लगाओ, ये मीडिया वाले आके पूछ रहे हमारे को, हमारे को अरेस्ट कर अंदर चले जाओ आप चाहे जवाब दो या ना दो, हम जवाब कैसा लेना, हम अच्छी तरह से ऑलरेडी संगीत है, तुम्हें आरोला जाऊन भेटा म्हणून, ठीक है, हाँ त्यांना सगळं सांगितलंय, पण ते सुद्धा तरी ते आडून बसले सर, एक ही बॉम्ब अस्त्र आहे बी, पब्लिक लिटिगेशन पीआरएफ है वो करेंगे, वो करके पीएमईजी पे नहीं नहीं वो पूछेंगे, वो बात अलग है, अभी हम क्या पूछेंगे सर को, आप तो नहीं देते बोल रहे हैं, अब हमारा तो ये होराट स्टॉप नहीं होता, हम इसके तय तक जाने वाले इंशाल्लाह जाएंगे भी जरूर, हमको क्या चाहिए सर, किसी को आरोप नहीं कर रहा हम लोग, इनका यूनिट नहीं, इनका यूनिट नहीं, सिर्फ गांव में कितना है उतना ही जरूरत नहीं सर, हमको सिर्फ क्या होने वाला, मैं जहाँ पर जो पॉइंट है ना वो रनिंग है वो हमने विजिट करने का, इतना ही बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको,
मिल जाएगा ना, क्या दिक्कत है इसमें? वही बस वही दिखाएंगे तो बस हम जाए। वही तो ना सर, मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको, तब से भी मार दे सर, नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं पहले क्या बोला सर आपको, प्रेजेंटेशन आपका दो मुझे, मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ ठीक है, आपका जो भी प्रेजेंटेशन मुझे आप लिखित में दीजिए सर, हमको हमको ऐसा ऐसा पॉइंट देखना है सब अपना, हम निकालेंगे भी वैन सब कुछ जाएंगे मिल के आएंगे सभी पॉइंट्स। मैंने अभी फिलहाल के लिए तो आप मैंने, अरे सर मैं मैनेजर करके मुझे टाइम देना है ना आपने, आप मैं एक स्लॉट रेडी करेंगे सबरे से निकलेंगे सर, सर आप बोले कि नाले मुंजल आधे घंटे बर्द कोड रे कल सुबह मैं वही ना, मुझे आप पहले आप प्रेजेंटेशन देने को तैयार नहीं है, मैं आप एक चीज बोल दो, सुनो आप जो बोलते हैं सावित्री सावित्री, मैं अभी एक चीज आपको बता, आपने क्या किया मैंने उसका तो जो हमने बाइट लिया है, मैनेजर बोल के मैं आपको बोलता हूँ, मैं कभी भी ऐसा किसी के भी अन्याय होने नहीं देता, फर्स्ट ऑफ ऑल अन्याय हो देना मतलब मैं यहाँ पे बैठ के मेरा फायदा नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी पे ऐसा हुआ ना मैं यहाँ पे कुछ भी काम कर, क्यों भी कोई लेता ना कोई जात धर्म किसी पे मैं कुछ लेना नहीं है ठीक है, एक बोल रहा हूँ जात जात धर्म पात का बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ आप बोल रहे ना गरीब को नहीं दे रहा है इसको नहीं दे रहा सर, पर्टिकुलरली कोई जात कोई गरीब आए ना सर, वो धर्म जात वाले आए एकता फाउंडेशन की तरफ से आए हैं, एकता बोले तो आप मीनिंग जानते हो ना सर उसका, समता परिषद मैं खुद हूँ वही सर, मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो जातवाद की बात ही कोई नहीं, सावित्री भाई महात्मा फुले सब हम वही जानते सर, समता फुले पूछ लो कुछ भी कम्प्लेट वो देने के लिए बोले रहेंगे तो भी तुम दे सकते हैं बिंदास, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या इधर कुछ धुमड़ी करने के लिए तुम्हारा बैंक लूटने के लिए नहीं आए, गरीबों का जो पैसा मिल रहा है अच्छे लोगों को नहीं मिल रहा बोल के उतना ही आरोप कर रहे हैं हम लोग, दूसरा कुछ नहीं कर रहा बोल रहे एजेंट लोग बोल रहे, तुम कौन एजेंट है तुम्हारे को पता रहेगा ना, तुम्हारे को पता रहेगा ना कौन एजेंट है, नाम बोलो ना, नहीं हमारे को पता चल रहा चाहिए ना, कर दीजिए सर, बोल दीजिए बोल दीजिए, बोलो बोलिए बोलिए, देखो क्या है मालूम है कुछ चीजें रहती है, देखो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, आप मैं अभी बोल रहा हूँ एज ए प्रेस रिपोर्टर आपका जो प्रेजेंटेशन है मुझे लिख के दीजिए, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, ठीक है ये मेरा काम है, नहीं सर आप अभी बोले ना, अभी बोले ना कुछ एजेंट लोग है डेफिनेटली है, वही बताओ ना लोगों को पता चलना चाहिए, मालूम पड़ना ना, वो भी देखो क्या मालूम है क्या, मैं अभी नाम नहीं लूंगा पहली बात मतलब ठीक है, जब जरूरत पड़े तब लूंगा, नहीं जब जब जरूरत पड़े तब कलेक्शन रहेगा सर, ठीक है ना देता हूँ रिटर्न में सर, और एक बात सर, मैं आने के बाद तीन हो गए चार हो गए सही है, मैं एजेंट हूँ समझो, मैं हूँ समझो, अभी मेरे को ब्लेम कर रहे समझो, मेरे ऊपर डालने के बता रहा हूँ, मैं कितनी बार आया हूँ इनके पास, एक ही लोन की है मेरे पास एक ही, मैं स्टार्टिंग को आने के बाद अगर भगवान का डर रहा उनको बोलने का क्या बोला मैं, हाथ जोड़ा सर इधर बहुत से गरीब लोग को अन्याय हो रहा है, देखो सर प्लीज रिक्वेस्ट करके बोला मैं, बोला हूँ कि नहीं पूछो क्या बोला मैं, जब एजेंट आदेश करके नहीं आया था मैं, भला नहीं आने के बाद बोले मेरे भाई साहब मुंबई में है हमारे राठौर साहब भाई साहब, सब बताया मैं उनको, लेकिन एजेंट आया तो मेरे कितने लोन करे पूछो, और मैं ये कितने करे ना अभी दिखाता हूँ, अभी चलो मेरे साथ बस स्टैंड से आएंगे यूनिट चेक करेंगे, कोटेशन लो मॉडल नंबर रहते मशीन के नंबर रहते कौन सा भी होने, स्टोन कटिंग तो स्टोन कटिंग का तो है वो गाँव वाले, और इतने साल हुआ 40 यूनिट है, मैं क्या दो तीन बोर्ड उतना ही देखा हूँ पीएमजीपी के, इन आने से पहला क्या देखा नहीं मैं सर, मेरे को पता नहीं दो तीन कौन कन्नूर के लोग देखे क्या आप, पीएमजीपी के बोर्ड किधर देखे क्या भाई, हाँ नहीं कन्नूर के लोग भी है इधर, मैं अकेला नहीं, ये भी है सब कन्नूर के लोग है, बोर्ड किधर देखा नहीं सर, अभी चलो बताओ सर जो लीगली है वो शेयर के हिसाब से हाथ जोड़ के बोला हूँ तुम्हारे ऊपर बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ आप जो बोर्ड है ना मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ, ये याद रखो आप ठीक है, आप मुझे प्रेजेंटेशन दो, आप एज ए प्रेस आप क्या कहना चाहते हैं आपका क्या है मुझे देखिए लिखे में दीजिए, हम उसके ऊपर जो भी कार्रवाई लेने करेंगे और सेफ्टी तो लगे पुलिस प्रोटेक्शन को ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಪಾಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡಾಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾ ಕೊನ್ನೂರು ಊರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ ಊರ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ಊರವ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ನೋಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಅರೆ ಬೆಪೋಲೋ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಐದೈದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಗೊತ್ತಾದ್ರಿ ಸರ್
ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ ಹಂಗ ಶಾನೆ ಇಲ್ರಿ ಅವ್ರು 3,37,31,000 ನನಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶಿವಾಮೂರ್ ಆದ 3,34,00 ಕ್ಯಾಡ್ಯಾಟ್ಲಕ್ಕೆ ಶಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಾರ 3,00,000 ಯಾರು ತಿಂದ್ರಿ ಇದ ನೀವು ಅಂತೀರಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಾನು ತ್ರಾಸಾಗಿ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾ ಏನಂದೆ ಬಡವ್ರಿಗೂ ಕೊಡೋದು ಬರೀ ಏನು ಬ್ಲೇಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಈಗ ನಾ ಏನಂತೀರಿ ಸಿಎ ಕಡೆ ನಾ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ಪಾಪ ಈಗ 10 ಮಂದಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋ ಇವೊಂದು 50,00,000 ಮನಿ ಐತೆ ಇವನು 1,00,000 ಇದೆ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಾವ ಈಗ ನಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕ್ರಿ ಮುಖ್ಯದ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ಲ ಸರ್ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗತ್ತಿದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳಿನ್ರಿ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಹುಬ್ಳಿ ಮಠ ಹುಬ್ಳಿ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮುಂಬೈ ಅಲ್ಲಿ ಮಠ ಲಿಂಕ್ ಅದಾವ್ರು ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನೇನ ನಾ ಬಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಟ್ನೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರ ಆಫೀಸ್ದವ್ರು ಅವ್ರು ಅವ ಆಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ರೀ ಸರ್ ಏನೇನಾಗವ ಅನ್ಯಾಗ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳಿನ್ರಿ ಹಾತ್ ಜೋಡಿಗೆ ಬೋಲ ಸರ್ ಫ್ರಾಡ್ ಚಲ ಆದ್ರೂ ಏನ್ರಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಸಪೋಸ್ 10 ಮಷಿನ್ ಹಾಕಿನ್ರಿ ನಾ ಈಗ 10 ಮಷಿನ್ ಹಾಕಿನ ಒಂದು ಕೂಪನ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇವು ಮಷಿನ್ ಅನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡೀತದೇನು ಸರ್ ನಿಮ್ 3 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಮುಂಬೈದಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ ಮ್ಯಾಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮುಗಿತ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ ಸರ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಶೈನ್ ಬೋರ್ಡ ಪಿ ಎಂ ಜಿ ಪಿ ಬೋರ್ಡ ಶೈನ್ ಬೋರ್ಡ ಕೋಟೇಷನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆರೋಪ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೀಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತ್ರಿ ಸರ್ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅನ್ನತಾರಿ ಅವ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಗಿಟ್ಟು ಏನೇ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಉದ್ಯಮದಾರದಾಗ ಫಿಮೇಲ್ ಮೇಮರ್ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ತದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟದ ಸರ್ ನಾ ಏನಿರ್ತದೆ ಉದ್ಯಮ ರಚಿಸಿದಾಗ 8 ಮಂದಿ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪೋಸ್ ರೀ 10 ಬೀಸಾನಿಗಿರ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ಮಂದಿ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಯೂನಿಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಿ ಸರ್ ನಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಡ್ ಅಲ್ರಿ ಸರ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ನಾವು ಕೇಳತ್ತವ್ರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾ ಬಿಡ್ರಿ ಅರೆ ಶಾಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಯಾವ್ದು 5 ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೊಕ್ಕ ರೀ ಇವ್ರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಬಡ್ಲ ಈಗ ಒಬ್ಬರೇ ಬಡ್ಡಿ ಸಪರೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ಏನು ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ರಿ ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಎರಡು ಶಿವಾಪುರ ಗೊಡಗೇರ್ ಅಲ್ಲ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಎರಡು तुम्हारे साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं है तुम क्या हमारा ले नहीं क्या हमारा तुम नहीं तुम्हारे साथ हमारे दुश्मनी क्या भी नहीं है वो क्या तुम्हारे बारे में कुछ बात हमें आवाज उठाने लगे ये बात तुम दिमाग में रख लो सर सर बोले आपका फर्ज बनता है कि जो रिपोर्टर आपको क्वेश्चन पूछेगा आंसर देगा सीधी सी बात है इतना लंबा करना जरूरत नहीं है कुछ भी जरूरत नहीं है पहले बात सुनिए पहले आप बात को सीधे रास्ते पर लाइए छोड़ के दूसरा सेंटेंस मत कीजिए आपको जो अभी बोल रहे ना आप मेरे को आरटी दीजिए इन्फॉर्मेशन बोल रहे ना हम जो पूछने के लिए आपको आए ना तो आप कैसा नियम बता रहे ना वो नियम मेरे पास है बोलते कोई प्रॉब्लम लिख दीजिए कल हम आपको आरटी देते हैं उसके हिसाब से आप काम पब्लिक का ही होता है पूरा चाहे तो पूरा गाँव का साइन करके ला के देते हैं आप सर जिसको नहीं मिला उसका साइन करके आपके स्क्रेबल पर रखते हैं आप लिख के दीजिए कि आए थे मैं इनको लोगों के लिए आप कर ले उनको शुगर और बीपी पहला ये बहुत बड़ा बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे को टेंशन होने की वजह से एक से ज्यादा दो टेंशन हो जाता है लोगों के लिए टेंशन मत दो क्यों बोले तो अभी तुम्हारा एज है अभी बहुत आगे जाने वाले है तुम नीचे बढ़ के एलिगेशन कर ले बहुत डेवलप सर बताता सुनो मेरे को फोन के जरिए से धमकिया नहीं आ रहे लोगों के जरिए से धमकिया आ रहे मैं चुप बैठ जाता था मैं मेरे को क्या क्या बात की वो वक्त